ताला। हाथ में लेके बताए सामने हवाल पकड़ो भाई हम पाते की कर सेट कर रहे हैं ना वो भी जमा पाता कटिंग कर कटिंग कर कटिंग कैसे करता है कटिंग से स्किल से स्किल सही कटिंग नहीं हो रही हो रही नहीं नहीं स्किल से जिन जगह रखना होगा ट्रक के बने कनकनक पर हावड़ ऊपर है बड़े कौन आने जा रहा अच्छा फोटो खींच ले ऊपर देख बादल ऊपर देख जो जो बादल ऊपर ऊपर अरे ये मेरी प्लेट है क्या फिर भी हमें तो ले लिया रे हमें तो पूछो तो डूबा भाई मारो दे दे कटे ले जाओ ठीक है ले जाओ सही जगह पे डाल रहा हूँ एक मिनट कटिंग कर दिया कटिंग कर बुलाया तो
लाख दिन में तू कितना नोट बना ले सब रोज ना? तीन चार दुकान नहीं सकता बदले तो सब तो खुद का ही काम कर पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहे तो फिर ये आपको कैसे लगा नकली नोट बनाए दे बना के बाजार में चलाने के लिए हेलो जी काम आ रहा है एक मिनट होल्ड करो इसको किसी के सर पे मार हाँ सर अपने वाले सर पे मार दे शॉट बनाएंगे शॉट बनाएंगे नहीं नहीं ये खबर ठीक की खबर है उस खबर ऐसी होती है ठीक सबसे अच्छी लगती है दिनांक 20 जनवरी को डांगीवास थाना अधिकारी द्वारा हमारे थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने डांगीवास कस्बे में मिठाई की दुकान पर 2,000 रुपए के तीन नकली नोट चला के चले गए जिन्होंने एक गाड़ी बोले गाड़ी के नंबर दिए थे उस गाड़ी के आधार पर हमने तीन युवकों को गिरफ्तार किया जिनके नाम नरेश सोनी सुरेंद्र कुठार और संपत महाजिक जिनसे हमने पूछताछ की पूछताछ उन्होंने ये सारे नोट पुरखाराम जाट के द्वारा देना बताया गया हमने सघन प्रयास करके पुरखाराम जाट को गिरफ्तार किया जिसने बताया कि नोट बादल और दिनेश जाट मिलकर बनाते थे तथा दिनेश जाट अपने स्कैनर के ऊपर ये सारे नकली नोट बना के उसके फोटोकॉपी करता था जिसमें आज हमने दिनेश जाट को गिरफ्तार किया तथा बादल को गिरफ्तार किया दिनेश जाट के पूछताछ से जो स्कैनर यूज करता था स्कैनर को हमने बरामद किया और स्कैनर बरामद कर उसके पास जो दो नकली नोट मिले थे दो नकली नोट भी हमने बरामद किए इन सभी से सघन पूछताछ जारी इन्होंने कितने रुपए बनाए और कितने जगह यहाँ इन्होंने नकली नोट चलाए उसके बारे में पूछताछ की जा रही अभी हमारे पास ये पीछे रिमांड है सिंपल सा तरीका था ये स्कैनर जो 6,000 रुपए में स्कैनर आता था कलर प्रिंटर था जिसके ऊपर स्कैन करके दोनों तरफ से नोट बनाते थे और दोनों तरफ से उसकी बिल्कुल जीरो साइज पे कटिंग करके मार्केट में चलाते थे हालांकि ये पेपर नॉर्मल पेपर होता है तो ग्रामीण इलाकों में चलाते थे ग्रामीण लोग जहाँ बोले वाले जनता के जाते वहाँ जाते थे नोट को असली नोट समझ के ले लेते थे